A father is three times as old as his son. After 12 years, his age will be twice as that of his son. Then find their present ages. तो हमें उनकी प्रेजेंट एज पता करनी है. तो कैसे फाइंड करेंगे? ए फादर इज थ्री टाइम्स. तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट एज जो मानेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन की जो प्रेजेंट एज है वो तो क्या हो जाएगी, एक्स ईयर्स. और जो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर है, फादर की एज यहाँ पे लिखी हुई है कि उसका थ्री टाइम्स है, थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. सन एक्स का है तो थ्री टाइम्स कितना हो गया, थ्री एक्स. थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर. फादर की हो गई 3x और सन की एज कितनी है, x ईयर्स. अब बात आती है आफ्टर 12 ईयर्स. तो जो फादर है उसकी एज 3x है, तो 12 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 12, ये हो जाएगी 12 ईयर्स के बाद. और जो सन है, सन की एज कितनी है, x ईयर्स है. प्रेजेंट एज 12 ईयर्स के बाद की बात करें तो x प्लस 12 ईयर्स हो जाएगी. फिर आगे इसने कहा हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट, तब कितनी हो जाएगी, फादर की एज जो है वो क्या है, ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन. देन x प्लस 12 है तो इस टाइम पे जितनी है उसका ट्वाइस करेंगे तो ये फादर की एज के इक्वल हो जाएगा. यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये हो गया 3x प्लस 12. एक्स प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से किया 2x प्लस 12 टू जा 24. अब इसे ट्रांसपोज कर लेंगे, इधर है अपने पास 3x, 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा. इधर रह गया अपने पास 24 प्लस 12 है, हो जाएगा माइनस 12. ट्रांसपोज कर दिया, 3x माइनस 2x कितना हो गया x. 24 में से माइनस करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा, 12. तो ये तो आ गई किसकी एज, जो कि एक्स हमने माना था प्रेजेंट एज ऑफ द सन. तो सन की एज तो 12 ईयर्स आ चुकी है. बात आती है फादर की, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 3x, यानी 3 इंटू 12, 12 थ्री जो 36, 36 ईयर्स. तो इस तरीके से हम लोग आसानी से ये आंसर फाइंड कर सकते हैं और इसे चेक भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 ईयर्स के बाद, तो 36 है तो 36 प्लस 12 कितना हो गया, 48. और इधर चेक करेंगे कि 12 ईयर्स प्रेजेंट एज है सन की, तो 12 ईयर्स के बाद 24 हो जाएगी और 24 टू जा कितना हो जाएगा, 48. इस तरीके से दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे. इस तरीके से हम लोग अपना आंसर भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आ गया होगा. वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.